जयपुर की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने झुंझुनू के मोस्ट वांटेड बदमाश प्रवीण उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। पिंटू पर 5,000 का इनाम घोषित है। डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि झोटवाड़ा थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बदमाश प्रवीण जयपुर आया हुआ है और दादी का फाटक के पास छिपा हुआ है, जिसके बाद स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ झुंझुनू में फायरिंग, लूट, हत्या का प्रयास जैसे कई संगीन प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। पिंटो, इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे झुंझुनू और अजमेर में दर्ज हैं। 307, 392, 343, कई मुकदमों में ये वहाँ पर वांछित है। झुंझुनू एसपी साहब द्वारा इस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। वहाँ से भागा हुआ था तो कल शाम को झोटवाड़ा एरिया से इसे गिरफ्तार किया। हम लोग मुखबिर से किसी सूचना मिली थी कि वो यहाँ पे घूम रहा है। अभी तो इसे पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। इससे कट्टा भी मिला है। इसके काफ़ी साथी जो पहले वाले हैं वो झुंझुनू पुलिस द्वारा पहले ही पकड़े जा चुके हैं। लगभग ये 7-8 महीने से फरार चल रहा था और ये झुंझुनू और उसके आसपास एरिया में, मतलब इसका जो फरारी का टाइम था, कई जगह फरारी का टाइम ही कट रहा था। पुलिस से बच